बहुत दर्द हो रहा है बेटी। बेटी ओ दुर्गा, बहुत दर्द हो रहा है ना? चिंटू, ओ चिंटू, अरे देख तो, मैं कच्चा आम लेकर आई हूँ। माँ से छुपकर जरा सा नमक और तेल लेकर आओ। तुम तो मेरे बहुत ही प्यारे भाई हो ना? देखो ना, नमक और तेल बाहर मत छोड़ देना। अगर माँ को पता चल गया तो वो हमें बहुत मारेगी। तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ दीदी, उसके बाद हम लोग मत मारो माँ, और मत मारो मुझे। मैंने चोरी नहीं की है माँ, ये पेड़ से नीचे गिरे हुए थे, सभी उठा रहे थे, इसलिए मैंने भी उठा लिए। चिंटू, बता ना, दुर्गा, बेटी दुर्गा, मेरी बेटी दुर्गा। क्या हुआ माँ? मेरी दीदी को क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो माँ? माँ, आप रो क्यों रही हो? दीदी को क्या हुआ? अरे चिंटू, मेरी बेटी, क्या हुआ? माँ, आप रो क्यों रही हो? दुर्गा, नो मेंशन ब्रो, मैं नेचर बर्बाद करने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो नेचर को बचाने वाले में से हूँ। दिस इज माय भौतिक ड्यूटी। गुड बाय दोस्त। व्हाट अ ब्यूटी। लेकिन अब क्या होगा अगर तुम इसी तरह जमीन पर पड़े रहे तो? फिर जीव जंतु Myself, लुल्लु, सर्वगुण संपन्न, मतलब कि तुम कौन हो? ऐसा लग रहा है कि न्यू अराइवल हो। क्या कहूँ, अरे हाय रे हाय, इसके काले कजरारी आँखों ने छीन लिया मेरा दिल का चैन। क्या तुम हरिपुर की संध्या हो? नहीं, हरिपुर की नहीं, मैं तो नारायणपुर की दुर्गा हूँ। कल पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी भंवर में फंस गई हूँ। उसके अंदर मैं बस घूमती ही जा रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या मैं तुम्हारा हैंड झट से टेक कर सकता हूँ? अरे डियर, नो फियर, ऐसे टेक करने का मतलब अंडरटेक करना नहीं है, जरा सा शेक और जरा सा चेक, उसके बाद रिटर्न बैक। जैसा सोचा था वैसा ही पाया है। अभी भी इसकी मौत हुई है, बेचारी ये समझ नहीं सकी कि ये आफ्टर लाइफ में आ चुकी है। होता है, जन्म लेने के बाद हमें नई जिंदगी मिली है, इसे समझने में जैसे समय लगता है जिंदगी खत्म हो जाने के बाद हम मर चुके हैं, ये भी समझने में समय लगता है। ये कौन सी जगह है? ये भूसुंडी नगर है, इस तरफ सुंडी नगर है और उस तरफ हुंडी नगर है। नाम तो सुना ही होगा। भूसुंडी नगर, लेकिन नारायणपुर किधर है? मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? अरे मैं हूँ ना। अरे बाप रे माँ, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरोगी डियर, नो फियर, मैं हूँ ना। और जाते हुए हवा को महसूस करते हुए कैसे आसमान में उड़ा जाता है, मैं ये तुम्हें सिखा दूंगा। उसके बाद फ्लाई 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 करके तुम बटरफ्लाई की तरह उड़ने लगोगी। ए, तुम कौन हो? तुम उड़ कैसे रहे हो? तुम इंसान तो नहीं हो? तुम भूत हो?
मैं भी भूत हूँ। छी छी करने वाली कौन सी बात है? आखिरकार भूत? सभी भूत आखिर में ही बनते हैं। ये देख रही हूँ, ये तो तितली है। कैसी है? बहुत सुंदर है। छी नहीं, ओ नहीं करोगी? क्या क्या? इसका मतलब भूत भी सुंदर होते हैं, है ना? तितली भी तो भूत होती है, प्यूपा का भूत। प्यूपा के नष्ट होने पर ही तो तितली का जन्म होता है। हाय क्यूटी, डोंट वरी, मे बी यू भूत बट यू आर सो क्यूट। वो रहा नारायणपुर। वो रहा मेरा घर। अब से मैं घर के बगल वाले कटहल के पेड़ पर ही रहूंगी, तो फिर मैं अपनी माँ पापा भाई सबको हर दिन देख सकूंगी। यो बेबी यो, कम ऑन, वेलकम ऑन। तुम इतने समय तक कहाँ थी बेबी? मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मरकर सीधे स्वर्ग चली गई हो। चलो चलो, हम दोनों इस पेड़ पर मिलकर क्लाइम टुगेदर करेंगे। इस डाल पर मैं और उस डाल पर तुम, इस डाल पर मैं और उस डाल पर तुम, और हमारे बीच हो मैं हूँ ना, ये फिर भूल मत जाना, मैं सिर्फ लुल्लू। यो, अरे हट यहाँ से। ये कौन है? चंदू कुमार। ओह, जब ये जिंदा था ना, तब इसने पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखा था। हेलमेट के बिना बाइक चलाते समय एक्सीडेंट की वजह से इसकी जान चली गई थी और हम सब की जान में जान आ गई थी। बाप रे, इसने यही डेरा बनाया है। कब से इसके साथ क्या डिस्कशन कर रही हो डार्लिंग? तुम्हारी जगह मेरे पास है। मर जा कहीं। मैं तो पहले से ही मर गया हूँ और अब तो तुम भी मर चुकी हो मेरी डार्लिंग। मेरे माँ पापा भाई सभी कहाँ हैं? पता नहीं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार करके वो लोग अचानक गायब हो गए। अरे तुम जिंदा लोगों के बारे में क्यों सोच रही हो बेबी? मैं इस क्षेत्र का मोस्ट एलिजिबल भूत हूँ। अरे बाप रे बाप, इतनी जल्दी में? मुझे थोड़ा शरारत करने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? पूछ। तुम्हें तो कहा था कि तुम मोस्ट एलिजिबल हो। तो फिर तुम्हारी लेज, मतलब कि हिंदी में पूछ कहाँ है? चलो यहाँ से चलते हैं। सुनो, क्या ये खबर सच्ची है? हैं? हाँ, बिल्कुल सच्ची है महाराज, चारों तरफ हलचल मच गई है। अरे नहीं नहीं नहीं, लुल्लू का ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरह गैर कानूनी तरीके से प्रवेश किए हुए भूत की मदद करना सही नहीं है, उसे सजा भुगतनी ही पड़ेगी। सिर्फ मदद ही नहीं की महाराज, और तो और वो उस भूतनी के साथ इंटू इंटू भी कर रहा है। ये इंटू इंटू?
होता है? गुणा महाराज। इंटू वो लोग गुणा का खेल खेल रहे हैं। क्या गुणा का मतलब हुआ? दो, दो दुनी चार, चार दुनी आठ भी हो सकता है महाराज। सत्यानाश, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। पहरेदार, पहरेदार, बुलाओ उस लुल्लू को और उस घुसपैठिए को भी बुलाना है। अच्छा तो यही है वो घुसपैठिया? नहीं महाराज। तुम ही असली कल्प्रिट हो लुल्लू। प्रिटी फेस देखकर तुम सिटीजनशिप के कानून भूल गए। पूछिए पूछिए, कितने पेटी घूस लेकर इसने घुसपैठिए को यहाँ प्रवेश करवाया है? मदन अंकल को जरूर एसिडिटी हो गई है, इसलिए तो ऐसी बातें डका रहे हैं। सभी जानते हैं कि लुल्लू ना तो घूस लेता है और ना ही लेने देता है। क्या मतलब? तो फिर ये सब क्या है? दिल में मची है हलचल महाराज, मतलब दिल का मामला है। दिल हलचल कर रहा है। बेचारी को ये समझ ही नहीं आया कि ये मर चुकी है, इसलिए आंधी में फंसने की वजह से ये यहाँ पर आ गई। मैं सिर्फ इसे साइड से गाइड कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तुम्हारे दिल में हलचल क्यों मची हुई है? सभी ये जानते हैं कि तुम इंसानी लड़कियों को पसंद करते हो, और ये भी जानते हैं कि भूतिया लड़कियों के शरीर की महक से तुम दूर भागते हो। ये बात तो सच है। तो फिर ये दिल का मामला कैसे हुआ लुल्लू? मतलब कि एक राह से गुमराह भूतनी को मैंने दया, मतलब जरा सी सहानुभूति, थोड़ी अनुकंपा दिखाई। समझ गया, समझ गया। सुनो ए लड़की, वैसे तो तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन तुम नई भूत हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक टूरिस्ट वीजा दे रहा हूँ। उसके बाद तुम अपनी जगह चली जाना, ठीक है? मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी महाराज, मैं कहीं दूसरी जगह चली जाऊंगी। किसी भी दूसरी जगह जाने पर वीजा की जरूरत पड़ेगी। शरणार्थी और दूसरे देश के लोगों के लिए अभी बहुत कड़े नियम बनाए गए हैं। लेकिन एक उपाय है योर हाइनेस। ए, आखिर तुम हो कौन? मेरा नाती है पंतुआ, मेरी बेटी पारो, मेरी बेटी जिसका जन्म मुंबई में हुआ था, ये उसी का बेटा है। ये बचपन से ही काफी प्रसिद्ध है, बचपन में ही इसके नाम पर एक कविता भी लिखी गई थी। पारो भूतनी का बेटा जन्मा, खेल रहा है मस्ती में, अभी अपने फैंस की वजह से ये कहीं जा भी नहीं पा रहा है, इसलिए अपनी छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ आया है। ये ऐसा करता क्या है जो इतना प्रसिद्ध हो गया? ये बॉलीवुड में है। बॉलीवुड में? अरे 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 अरे, अरे तभी तभी तुम, मैं भूत सीरियल में थे है ना, और उसमें एक गाना भी था, वो क्या था? भूतनी ओ मेरी भूतनी, तू मेरी भूतनी। लेकिन पंतुआ उसमें हीरो तो नहीं था? हाँ, बॉलीवुड में मेरा नाम मंगल है। तुम कौन से उपाय के बारे में बोल रहे थे हैं? सर, अगर कोई भुसुंडी नगर में इससे शादी कर ले तो इसे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इस अनजान अनभिज्ञ भूतनी से आखिर कौन शादी करेगा है? मैं करूँगा। लेकिन सिर्फ लड़के के तैयार होने से काम नहीं चलेगा, इस शादी के लिए भूतनी लड़की का भी तैयार होना जरूरी है, मतलब भूतनी की मर्जी जरूरी है पत्नी बनने के लिए। मैं तो तैयार हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, अब तो कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, ये तो मिल गया शुभ संकेत। तुम्हारी हंसी कहाँ गई हनी? समझा समझा, ज्यादा खुशी की वजह से तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मरने के बाद तुम्हारी किस्मत ऐसी चमक जाएगी। बेबी, अब से तुम रानियों की तरह रहोगी, अब से तुम कोई साधारण भूतनी नहीं हो, तुम अब नहीं हो कोई आम लड़की, मंजिल से है थोड़ी दूरी, अब से तुम शाही जिंदगी जियोगी, क्योंकि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है। लिव लाइफ किंग साइज सरप्राइज। ये सब मेरा है? ऑफ कोर्स तुम्हारा ही है, दीज आर फ्रॉम फैशन डिवास। मैंने ये खास ड्रेस तुम्हारे लिए बनवाई है, ये मकड़ी के जाल की डिजाइन एक खास तरीके से बनाई गई है, अब से तुम्हारा स्टेटस ही अलग होगा। नहीं,
मैं ये सब नहीं पहन सकती। सिली गर्ल, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें मेरे बगल में खड़े रहना पड़ेगा। तुम्हें बहुत सारी ग्रूमिंग की जरूरत है। तुम्हें जो अच्छी किस्मत मिली है उससे मुंह मत मोड़ो। आज से सब भूतनियाँ तुमसे जलने वाली है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या बात है लुलू, तुम आधार कार्ड की तस्वीर की तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? पूरा भुसुंडी नगर एंजॉय कर रहा है, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? हाँ अरे काम में हाथ क्यों नहीं बटाते तुम? आखिर सेलिब्रिटी की शादी जो है, कितने सारे भूत प्रेत दैत्य दानव राक्षस पिशाच ताल बेताल भूतनी येंग येन कई सारे भूतों की प्रजाति आने वाली है। उठ भी जाओ तुम, दुनिया भर के ढेर सारे भूत इनवाइटेड हैं। अगर कोई कमी रह गई तो सारी इज्जत पर पानी फिर जाएगा, ये बात जानते हो ना तुम? इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं गोंद लेकर जल्दी से आ जाऊंगा, सब कुछ अच्छे से सेट कर दूंगा, सारा मामला एक बार में ही सेट कर दूंगा। कार्यक्रम तो आज रात ही है, अब क्या होगा? तुम तो घर के सदस्य हो। सुनो, तुम अपना सामान लुल्लू को देकर सीधे चाइनीज बावर्ची तुरुंग बीजिंग के पास जाकर मेंढक वाली चाउमीन और केकड़े वाली लिस्ट जल्दी से जल्दी लेकर आओ। अरे नहीं, ये झूठ है झूठ है, उस भूतनी ने शादी के लिए खुद अपनी रजामंदी दी थी। कोई वे नहीं था, इस वजह से ये उसे करना पड़ा। उसने सोचा कि समय के साथ कोई उपाय मिल जाएगा, उसे कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा, लेकिन नहीं मिला। इसलिए उसने तय किया है कि वो इंसानों के साथ रहने की भीख मांगेगी, उनकी दास बनकर रहेगी। ये क्या बोल रहा है? उसने ऐसा ही कहा है, तभी ये भुसुंडी नगर बदनाम हो रहा है। आपकी बदनामी हो रही है, एक अकेली भूतनी को यहाँ आश्रय नहीं मिल रहा है और ऊपर से भूतों की गोपनीयता भी नहीं बची है। उसे यही पर रहने दीजिए ना महाराज। सुनो, उसे रोकने के लिए कहो, पहरेदार दुर्गा को बुला के लाओ। सुनो, तुम किसी को बिना बताए इंसानों के पास जाना चाहती थी, हाँ? आखिर क्यों? हम भूत हैं, इंसान नहीं, जो जबरदस्ती करके अपनी बात मनवा ले। तुम क्या शादी करना चाहती हो? मैं कहीं और चली जाऊंगी, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। महाराज, वो मैं कह रहा था कि मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। मैं अपना भुसुंडी नगर का सिटीजनशिप दुर्गा को दे रहा हूँ, वो यहीं पर रहेगी, है ना? ये सही रहेगा। मैं तो खाना बदोश हूँ। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। ये दया नहीं है दुर्गा। मुझे सहानुभूति भी नहीं चाहिए। ये सहानुभूति भी नहीं है। अनुकंपा भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अनुकंपा नहीं है। तो फिर क्या है, ये सब क्या है? अनुग्रह, उदारता, महानता है क्या ये? नहीं 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 नहीं। क्या 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 बताओ, क्या है ये? प्यार है, प्यार है। तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे प्यार हो गया था दुर्गा। अरे हट, प्यार करके कोई किसी को इतनी तकलीफ दे सकता है क्या? वैसे भी भूतियों के शरीर की महक से तो तुम दूर भागते हो ना। ये सब प्यार की वजह से ही तो हुआ है, कोई कब किसके लिए खास बन जाता है कोई भी नहीं जानता है। प्यार की रियल केमिस्ट्री रियल में मिस्ट्री होती है। पहले क्यों नहीं कहा? प्यार, ओ डियर प्यार, कहाँ सेलिब्रिटी दूल्हा और कहाँ मैं, दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती।
क्या बात है, क्या बात है? मैंने सुना शादी कैंसिल हो गई है। ये किसी इडियट ने कहा कि शादी कैंसिल हो गई है? दूल्हा कैंसिल हुआ है, शादी तो होगी, वो भी योग्य वर के साथ। हाय रे तेरी फूटी किस्मत लुल्लू, पति बनते बनते आखिरकार पिता की भूमिका निभानी पड़ी। मैं नहीं खेलूंगा।